दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आज की खेती आधुनिक होती जा रही है। कृषि रसायनों के अलावा आज मशीनीकरण का दौर है। दोस्तों, मशीन कृषि कार्य को बड़ा ही आसान कर देता है, लेकिन दोस्तों हमारे देश के अधिकतर किसान गरीब हैं जो अधिक कीमत वाली बड़ी मशीनों को नहीं खरीद सकता। लेकिन दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसे मशीन के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे हर छोटा किसान खरीद सकता है। इसकी कीमत बहुत कम है और इसके फायदे बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक हमारे बने रहेगा। दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों, जिस मशीन के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, वह एक छोटा मिनी ट्रैक्टर है जिसे स्वराज ट्रैक्टर कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है। दोस्तों, इसका नाम स्वराज कोड रखा गया है। दोस्तों, यह ट्रैक्टर जो छोटे किसान और जो बागवानी के काम करते हैं, मतलब सब्जी फल इत्यादि उगाते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही काम की चीज है। इसकी वजन और इसकी कीमत दोनों ही बहुत कम है, जिसे छोटे बड़े सब किसान कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस ट्रैक्टर की फीचर के बारे में। तो दोस्तों, जो आगे स्टीयरिंग लगा है वह हैंडलनुमा है और इसे आगे की तरफ 180 डिग्री में घुमा सकते हैं, मतलब इसे आगे की तरफ सीट को लगाकर पीछे रीपर को पीटीओ से फंसाकर धान की कटाई आसानी से कर सकते हैं। ट्रैक्टर की पावर की बात करें तो यहाँ 1200 पावर के इसमें इंजन लगाया गया है। यहाँ पेट्रोल चलित इंजन है और इसमें 6 फ्रंट गियर और 3 रिवर्स गियर है। दोस्तों, इस ट्रैक्टर की लिफ्टिंग कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ 250 किलोग्राम की वजन को आसानी से उठा सकता है। दोस्तों, इस ट्रैक्टर की हाइट 118 सेंटीमीटर और ट्रैक्टर की टोटल वजन 455 किलोग्राम तक है। दोस्तों, इस ट्रैक्टर की दो मुख्य खास फीचर हैं। पहले, इसकी हाइट को आप कम ज़्यादा कर सकते हो, मतलब इंटरकल्चर खेती करते समय दूसरे फसल को नुकसान न पहुँचे, इसके लिए आप इसके हाइट को कम ज़्यादा कर सकते हो। और दूसरा मुख्य फीचर, इसके सीट को आप आगे पीछे लगाकर स्टीयरिंग को कंट्रोल कर सकते हो। इसके सीट को पीछे से उठाकर आप आगे भी लगा सकते हो और पीछे पीटीओ से कुछ इक्विपमेंट लगाकर स्टीयरिंग को कंट्रोल कर सकते हो। दोस्तों, क्योंकि इसकी स्टीयरिंग 180 डिग्री सेंटीग्रेड में आगे और पीछे हो सकता है। अब देखते हैं ट्रैक्टर के उपयोग के बारे में कि ये कौन कौन से कार्य कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका मेनली कार्य जो सब्जियों की खेती करने वाले किसान होते हैं उनके लिए ज़्यादा यह उपयोगी होता है। इसके पीछे की ओर पीटीओ से हम एक रोटावेटर कनेक्ट कर सकते हैं जो खरपतवार को नष्ट और बड़े बड़े मिट्टी के ढेलों को तोड़कर खेतों को समतल करने का कार्य बड़ी ही आसानी से कर सकता है। ट्रैक्टर की शक्ति अनुसार खेतों की हल्की जुताई भी हम इससे कर सकते हैं। यह कम वजनी सामानों को ढोने का काम भी आसानी से कर सकता है। साथ ही साथ यहाँ पीछे पीटीओ से रीपर को कनेक्ट करके धान की कटाई भी कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ कुल मिलाकर एक कम कीमत में छोटे किसानों के लिए खेती करने के लिए बहुत ही काम की मशीन है। दोस्तों, आप देखते हैं इसके कीमत के बारे में। तो दोस्तों, इसकी कीमत 1,60,000 से 1,80,000 तक कंपनी द्वारा प्राइस रखी गई है, जो आपको एक 15 HP वाले पावर टिलर के दाम में आपको यहाँ मिल जाता है। दोस्तों, जो यहाँ ट्रैक्टर है वह अभी ट्रायल के लिए स्वराज कंपनी द्वारा अभी भारत के केवल 4 राज्यों में जैसे गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लॉन्च किया गया है। यदि किसानों के द्वारा इसे अधिक पसंद किया जाता है तो जल्द ही भारत के सभी राज्यों में इसे लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों, आप भी कमेंट करके जरूर बताना यह किसानों के लिए कितना उपयोगी है। इसके दाम एक 15 HP वाले पावर टिलर जितनी है, जिसे छोटे किसान और बड़े किसान भी आसानी से खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कॉमेंट करके जरूर बताना कि यहाँ ट्रैक्टर आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके बेल अकाउंट जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड सभी प्रकार की वीडियो आपको इसमें मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतनी ही। थैंक यू।